आज की वीडियो में हम आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक मेजरिंग टूल है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, फिर से ये क्या क्या वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर है। ये रैक और पिनियन, इधर जब खोल के दिखाएंगे आपको, ये रैक और पिनियन मेथड पे कार्य करता है। ये देखिए, ये रैक और पिनियन प्रिंसिपल है इसका। रैक और पिनियन के आधार पर ये कार्य करता है। देखिए, इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका लिस्ट काउंट, ये 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट होता है और 0 से 10 mm इसका रेंज है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब इसके पार्ट्स का नाम समझ लीजिए। देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइलिस। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइलिस। ये डायल है, फिर ये स्टैंड, फिर ये मैग्नेटिक स्टैंड। इसके बाद इसके भीतर में एक रैक होता है और एक पिनियन होता है। इसका देखिए कौन कौन सा ऑपरेशन, इसका कार्य क्या है। सबसे पहले इस इंडिकेटर का यूज हम लोग लेथ मशीन या मिलिंग मशीन पे, जैसे ये मशीन है, इस लेथ मशीन का जो ये चक है, इस चक में बांधते समय डायल टेस्ट इंडिकेटर को हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिए, आपको विधिवत दिखाते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम यहाँ रख के मैग्नेटिक स्टैंड को ऑन कर देंगे। अपना मैग्नेट हम ऑन कर दिए, अब ये फिक्स हो गया, हिलेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि मैग्नेट मेरा ऑन हो गया है। फिर इसको हम क्या करते हैं, ऐसे खोल के फिर ऐसे आगे बढ़ाते, फिर इसको यहाँ से खोल के ऐसे यहाँ पे जो चक होता है इस चक के पास लगा देते हैं। और जैसे ही ये स्टाइलिस ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे करके, देखिए ये डायल पे पूरा अपना दिखा रहा है। जैसे जैसे सुई आगे बढ़ेगी वो बताएगा। तो एक तो यूज हो गया इसका लेथ मशीन के चक में जॉब को बांधते समय, दूसरा होता है मिलिंग मशीन पे। दूसरा क्या होता है? मिलिंग मशीन पे। तो मिलिंग मशीन के लिए जैसे कि यहाँ पे दिखाना चाहेंगे हम आपको, मान लीजिए अगर मिलिंग मशीन है तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का फ्लैटनेस कितना है, ऊंचा खाला तो नहीं है, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसको कैसे चेक करते हैं? इसको पहले खोल के फिर इसको ऐसे घुमा लेते हैं और थोड़ा सा नीचे करेंगे हम। इसको यहाँ पे ऐसे कस लेते हैं। कसने के बाद फिर ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। थोड़ा सा इसको और झुका लेते हैं हम। देखिए, हमने क्या किया, इंडिकेटर के डायल को एडजस्ट करके, और फिर इसको भी खोल के हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लिया हमने, अब इसको हम चलाते हैं। देखिए, हम इसको इस सुई के माध्यम से इस सरफेस पे टच करा के और इसको हम चलाएंगे। देखिए, ये सुई हिल रही है, यानी ये मेरा बता रहा है कि सरफेस मेरा कितना
ऊबड़ खाबड़ है, यानी सरफेस के ऊपर कितना हिल्स और वैलीज है, तो ये सरफेस फिनिश का भी कार्य करता है। और आज मैंने डायल टेस्टिंग फैक्टर के बारे में आपको जानकारी मैंने दी इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका मेन कहाँ कहाँ यूज होता है, लेथ मशीन पे, मिलिंग मशीन पे, या फिर किसी सरफेस रफनेस के ग्रेड को चेक करने में भी इसका यूज किया जाता है कि इसका सरफेस फिनिश कैसा है।